نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم शाहली सदरी علما अमरी वाहिलाानी या कौली रब्लम रबा عليكم अलमिनका الله وبركاته वरक لله उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों के भी रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और हमारे भी रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं और जिन लोगों के साथ परेशानियाँ हैं मुश्किल हैं रस्क की तंगी है मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताली उनके मामला को आसान करें काफ़ी जगहों से और काफ़ी लोगों की खबरें आ रही हैं बीमार होने की लोग काफ़ी बीमार हैं इस रमज़ान के अंदर काफ़ी तकलीफ़ों में हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ आप दुआ करें कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं जितने भी हमारे मुमिन हैं मुसलमान भाई और हमारी बहने हमारे बुज़ुर्ग जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताली उन सब को शिफाए कामिला आजिला ता और जिनके घर में तंगियां हैं और जिनके घर में बेरोज़गारी है अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान करे और हमें तोफ़ीक दे कि हम अपने माल में से उनको सपोर्ट कर सकें दीन के लिए अपना घर अपने घर से बाहर निकलना अपनी मसरूफिया में से टाइम निकलना ये एक अलग जिहाद है कि इंसान अपनी फैमिली के टाइम को अपनी अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा उसमें से वक्त निकालता है और फिर वो दीन को सर्व करता है इम सीखता है या लोगों को सिखाता है एक तो तरीक़ा ये है कि हम दीन को इस तरीके से सपोर्ट करें कि हम अपने जानों के साथ अपने टाइम के साथ हम दीन को टाइम दें कुरान सीखें और सिखाएं जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ख़ैर हु मन व वालमा बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए या अगर आप ये नहीं कर सकते आप मजबूर हैं आपके पास टाइम नहीं है आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास रिसोसेज़ नहीं हैं या आप किसी और मसले की वजह से आप नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये है जो अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने माल से सपोर्ट करें इस दीन को ठीक है इस दीन लोगों को सदका खैरात करें लोगों को लोगों को आ, लोगों को पैसे दें लोगों को रिस्क आ, लोगों को रोज़ी रोटी फराहम करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किया कि अयोल इस्लाम खैर बेहतर इस्लाम कौन सा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फ़रमाया अफशुस सलाम अफ़ुल्सलम वातेम तुम लोगों को सलाम किया करो और लोगों को खाना खिलाया करो तो अगर आप अपना टाइम नहीं दे सकते आप ख़ुद अपना आप इस दीन को नहीं दे सकते आप खुद फिज़िकली तौर पे कहीं अपेयर नहीं हो सकते कुछ ड्राइव्स के अंदर डोनेशन के अंदर या कहीं पर भी दिन के किसी भी मामले के अंदर तो एटलीस्ट माल के साथ साथन करें ताकि कल आप जब वाले दिन खड़े हों के सामने जब आप वाले दिन अल्लाह के सामने खड़े हों तो आपको अल्लाह जब आपसे सवाल करें कि तुमने इस दीन के लिए क्या किया मैंने जो तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा था एक मकसद के साथ भेजा था एहबित तो मिनह जमिया जो आदम सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम सब के सब उतर जाओ यहाँ से ठीक है और हिदायत का इंतज़ार करो फमन तब हदाया लम्बा को मिन्नी हदत मेरी तरफ से ज़रूर एक हिदायत आएगी गाइडेंस आएगी तुम्हारे पास फमन तब हृदा जिसने इस गाइडेंस को फॉलो किया फ़लह फ़ुनआल वाहनून तो उसके साथ ना ही खौफ होगा और ना ही उसके साथ कोई गम होगा अच्छा यहाँ पे एक अपना लेक्चर मैं लेक्चर इंशाल्लाह शह स्टार्ट करते हैं देखिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा और आपको पता है आपने बहुत बार सुना होगा कि दुनिया की अहमियत दुनिया की जो हैसियत है एक है उसकी इम्पॉटेंस और एक है उसकी हैसियत यानी कि उसको तरजीह उसकी क्या है अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज़ पर तरजीह दी है और उसकी क्या हैसियत है और उसकी क्या अहमियत है दुनिया की ज़िंदगी को देखें दुनिया की ज़िंदगी की एक अहमियत भी है और उसकी एक हैसियत भी है अगर उसको अल्लाह ताला के तरीक़े के मुताबिक गुजारा जाए जो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है हमें इस दुनिया में भेजा हमें जन्नत से निकाला गया अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर भेजा और अल्लाह ने कहा कि तुम हिदायत का इंतज़ार करो तो उसकी अहमियत यह है कि ये टाइम है अपने आप को प्रूफ करने का कि अल्लाह मैं केपेबल हूँ कि मैं तेरी जन्नतों का हकदार बन जाऊँ ये अहमियत है इस दुनिया की ज़िंदगी की कि आपने इसके अंदर किस तरीके से गुजारना इस दुनिया को जैसे कि आप एक मुसाफिर हैं ताला कुरान में फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी ऐसी है लबिस्त योमन और यानी कि इस आयत के अंदर मोटिवेशन भी है और इस आयत के अंदर अल्लाह की तहज़ीर भी है खौफ भी है मोटिवेशन ऐसे है कि दुनिया के अंदर लबिस्त योमन और बायम कि अल्लाह जब पूछेगा इंसान से कितना अर्सा गुजारा कम लबिस कितना अरसा गुजरा इस दुनिया में तो आप क्या कहेंगे या अल्लाह या तो दिन का पूरा हिस्सा गुजरा या दिन का बाज हिस्सा गुजरा ये आयत मोटिवेशन भी है और ये आयत तहज़ीर भी है मोटिवेशन उसके लिए है जो अल्लाह के रस्ते पर गामजन हो गया जो दीन के रस्ते पर गामजन हो गया उसकी ज़िंदगी में आजमाइशें आई उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई उसकी ज़िंदगी के अंदर क्लैमिटीज़ डिज़ास्टर्स ट्रायल्स और ये न जाने कितने इन अल्फाजों का उसने सामना करना पड़ा उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ थीं वो अल्लाह से गिड़ गड़ा के मांगता था तो ये आयत उसको हौसला दे दिए बस थोड़े ही दिन की बात है फिर तो ख़त्म है फिर अल्लाह से मिलना है और इस हाल में मिलूँगा कि ला अलैहिम वला हूँ हजनों ना मुझे खौफ होगा ना मुझे गम होगा क्योंकि मैंने इन हालात के अंदर भी सब्र किया मैंने इन आज़माइशों को एक्सेप्ट किया और मैं अल्लाह से जब मिलूँगा तो मेरे जो अल्लाह ताला ने जो शराइ बताई थी मुझे इस दुनिया को गुजारने की कि मुझे इससे बचना था इससे बचना था हलाल कमाना था हराम से बचना था तब मैं अल्लाह से मिलूँगा और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे लिए अल्लाह के पास मेरे लिए अच्छा ही बदला होगा तो ये उसको एक मोटिवेशन होती है कि ये आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी एक न एक दिन मेरे साथ जब मैं इस दुनिया से अपने रब से जा मिलूंगा तो मेरे लिए आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी और तहज़ीर ये है खौफ ये है इस दुनिया का खौफ इस आयत में यह है कि मैं एक दिन से ठहरा या एक दिन से कुछ हिस्सा दिन का मैं ठहरा हूँ इस दुनिया के अंदर खौफ यह है कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी खेल तमाशों में गुजार दी मैं बच्चा जवान बूढ़ा और फिर कमज़ोर पड़ गया मैं अल्लाह से इस हाल में जाके मिला मैं गफलत में रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम का गुजर गया यानी कि मैंने रजू ही नहीं करा मैं बचपन से ही ये सोचता रहा बड़ा होकर नमाजें पढ़ लूंगा मैं अल्लाह से रुजू कर लूंगा ये गुना मैंने किया है मैं अल्लाह से तौबा कर लूंगा अभी तो वक्त है अभी तो वक्त है अभी तो वक्त है वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है पता नहीं कब उसकी मौत वाकई हो जाए तीस उम्र में तीस साल की उम्र में हो जाए पैंतीस साल की उम्र में हो जाए और वो प्लान बना के बैठा हुआ है कि जब मैं आ, जब मैं पचास साल का हो जाऊंगा तब मैं सोचूंगा कि नमाजें पढ़नी है नहीं पढ़नी आखिर में बख्शवा लूंगा अल्लाह से और यहाँ पे तो इंसान को पता भी नहीं है कि वो यहाँ से बाहर निकले वो घर तक पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा मैं अभी एक अक्सर सोशल मीडिया से तो सबका ही ताल्लुक है अभी मैंने एक पोस्ट देखी एक सामने लगाई हुई थी अपने भाई की मुश्किल से मुश्किल से थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड उसकी मौत वाक़ हो गई एक एक्सीडेंट के अंदर ले आप मुझे बताएं अल्लाह ताला उस भाई को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्शे अल्लाह फिल्डोर हम लेकिन ये है जिंदगी आप घर से बाहर निकले आपको नहीं पता कि आप वापस लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे आप इस रमज़ान को गुजारेंगे आपको नहीं पता कि अगले रमज़ान भी आप इस महीने ये महीने की सदत आपको नसीब होगी या नहीं होगी आपको भी और हमें भी तो जिंदगी की मिसाल ऐसी है तो लबिस्त यों बाज यौम दिन का दिन या फिर दिन का कुछ हिस्सा जिंदगी ऐसी ही है तो जो आज अल्लाह ताला आपको आज ही मैं कहता हूं आज से ही इंसान को सोचना नहीं ही चाहिए यह तहजीर है यह अल्लाह अल्लाह ने डराया इस चीज़ से कि आपके हाथ में नहीं है आपकी ज़िंदगी आपकी मौत आपके हाथ में नहीं है लेकिन आपके फैसले आपके हाथ में हैं कि आप फैसला कर लें कि मैंने कब से नमाजें शुरू करनी है मैंने कब से जो है अपनी ज़िंदगी को चैनलाइज करना है देखें हिदायत का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपनी दाढ़ी बढ़ा ले या अपने पाइचे ऊपर कर ले या इसका जुज़ यही होता है कि इंसान नमाजें पढ़ना शुरू करे ये हिदायत है लेकिन अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो बनाई है गौर से सुनिएगा अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ये हमारे लिए बनाई है इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो मटेरियल रखा है जो इंसान को अट्रैक्ट करता है वो हमारे लिए ही है इससे फ़ायदा हमें ही उठाना है इससे अपनी ख्वाहिशात हमने ही पूरी करनी है और अल्लाह ने हमारे अंदर ख्वाहिशात रखी हैं इसको पूरी इसको कंज्यूम करने की लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि इस दुनिया हिदायत आ जाती है तो हम दुनिया को छोड़ दें एक तरफ हम एक तरफ अल्लाह कहते हैं इसको कंज्यूम करो ये हमारे लिए है फर्क सिर्फ इतना है एक आदमी के पास हिदायत नहीं है हिदायत ये नहीं होती कि आप उसकी कंजम्पशन रोक दें इस दुनिया की इसमें खाना पीना छोड़ दें इसके अंदर जो लग्जरीज और कंफर्ट्स है उससे दूर हो जाए हिदायत ये नहीं होती हिदायत यह होती है कि इसके अंदर जो लग्जरीज और कम्फर्ट्स हैं उसको उसको लेने का मकसद क्या उसको चैनलाइज करना एक है कि आपने कम्फर्ट्स और लग्जरीज को आप असल समझ लें कि यही है दुनिया और यही है मेरी जिंदगी और इसी तरह ही मैंने जिंदगी गुजारनी है और मैंने अपने रब से कभी भी नहीं मिलना और हिदायत यह है कि मैंने इस लग्जरी और कंफर्ट में रहना तो है मैंने इसको अटेन तो करना है मैंने अपने लिए आसानी लेनी है क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है यो रहीबिकमल ये सर अल्लाह ताली आसानी पैदा कर अल्लाह ताला आसानी चाहता है तो जितना आप लाइफ के अंदर आसानी लेंगे लें खाना है खाएं पीना है पिए लेकिन यह बात याद रखिएगा क्लू व शबु वला तो हिदायत यह है कि आप ज़ाया नहीं करें आप खरीदना चाहते हैं कपड़े पहनना चाहते हैं आप पहने हिदायत यह है कि आपने गरीबों का भी ख्याल रखना है और आपने कपड़ों को उस तरीके से पहने जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया यह हिदायत है कपड़े पहनने को बना नहीं किया सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस कि मैंने किस तरीके से चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करना है मैंने किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और किसको मैंने हकीर जानना है किसको मैंने तरजीह देनी है अपनी लाइफ के अंदर और इस किसको मैंने किस चीज की मैंने तजलील करनी है ये दुनिया के लग्जरीज कंफर्ट्स इसके सुकून इसका चैन इसकी खुशबुएं इसमें गाड़ियाँ इसमें मटेरियल ये सब एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ के अंदर लेकिन व्हेन इट कम्स टू द जब आखिरत की बात होती है तो ये सब चीज़ें इंसान को हकारत की नज़र से देखनी चाहिए ये हिदायत है कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ें उसके ऊपर गालेब आ जाएँ कहीं ऐसा ना हो शहावत उसके ऊपर गालेब आजें कहीं ऐसा ना हो ये आसानियाँ उसके ऊपर गालेब आ जाएँ और वह अपने रब को भूल जाए रहना भी इस दुनिया के अंदर है कंज्यूम भी करना है इस दुनिया को लेकिन बार बार मुहाजबा करना है हा सिबू बार बार मुहाजबा करना कबलांत हा सबू बार बार मुहाजबा करना है कहीं यह मुझ पर गालिब तो नहीं आ रही कहीं इसकी वजह से मैं दीन से दूर तो नहीं हो रहा कहीं ये चीज मुझको नमाज से दूर तो नहीं करी नमाज से इंसान को दूरी हो जाती है दुनिया बहुत रंगीन है नमाज से इंसान दूर हो जाता है अल्लाह के दीन से इंसान दूर हो जाता है अल्लाह के जिक्र से इंसान दूर हो जाता है क्योंकि इंसान कमज़ोर है होने का इंसान ज़यफा लेकिन अगर एहसास ख़त्म हो गया ना इंसान के दिल से उस दूरी का कि यार मैं अल्लाह से दूर हो रहा हूँ मैं मैंने तोबा करनी है मैं इन मैं तोबा जरूर करूंगा मैं अल्लाह से दूर हो रहा हूँ अगर वो उस गुनाह पर रिलैक्स हो जाए कि मैंने ये गुनाह किया है मैंने मैंने फलाह चीज़ के साथ गुनाह किया मैंने फला चीज़ से गुनाह किया मैंने फलाह के साथ गुनाह किया मैंने फलाह के साथ जब वो दुनिया की ख्वाहिशात को असल समझने लगे और उसको गालिब कर ले अपने ऊपर और उसके दिल से ये एहसास ख़त्म हो जाए वाला उबिनफ़ ला वो मलामत ख़त्म हो जाए उसके दिल से वो एहसास ख़त्म हो जाए कि मैंने लौटना है मोमिन के दिल में कभी एहसास ख़त्म नहीं होता वो एहसास ही होता है जो इंसान को अल्लाह की तरफ ले आता है सही ताला कुरान में फरमाता है इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में वमल हयातुल दुनिया मताउल अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जनरली कह दिया वमल हयातुल दुनिया मताउल गुरूर के दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है ये एक धोखा है इसको कंज्यूम करना है बस लेकिन इसको असल नहीं समझ इसको एब्सोल्यूट नहीं समझता आप और देखें कितनी हकीकत वाली बात है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है यूनिवर्सल ट्रूथ वजा मौत. बिलह के मौत इंसान का टाइम वो ख़त्म ज़रूर होगा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मौत नहीं आनी अरे इंसान क्या दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मौत नहीं आनी मौत. हर नफ्स को मौत आनी है वो एक गोल तक हर मुसलमान ने हर इंसान ने चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मोमिन हो चाहे वो मोहसिन हो चाहे वो कितना भी बड़ा कोई वली ही क्यों ना हो मौत तो आनी ही आनी है इस दुनिया का सफ़र ख़त्म होना है और दूसरा सफ़र स्टार्ट होना है कई फतक फ़ुरून बिल्बुल अम्बात जाऊ अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है सूरह बकरा के अंदर के इंसान पैदा होता है मरता है फिर जिंदा होगा दोबारा से ज़िंदा होगा ऐसा नहीं है कि एक बार ख़त्म होगा दोबारा ज़िंदा नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदा ज़रूर करेगा ठीक है जी अल्लाह ताला, ताला कुरान वमल दुनिया इल्ला मताउल मतागर कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ धोखा है इसको कंज्यूम करना है इसको एब्सोल्यूट नहीं समझता अल्लाह ताला, ताला कुरान में एक और जगह फरमाते हैं आऊज़ुब्लिमिन शैतानदी ला जून ल़ा अन ला अर्जुना लिखौना अल्लाह बारे में फरमा रहा है जिनको अल्लाह से मिलने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी होती है यानी कि एक तो खौफ होता है इंसान का अल्लाह से मुलाकात का कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा लेकिन वो खौफ उम्मीद के बाद होता है कि जब इंसान दीन का जब इंसान दीन पर अमल कर रहा होता है जब इंसान अल्लाह के अल्लाह के प्री को पूरा कर रहा होता है अल्लाह तला ने उसको जो कंडीशन दी है उसको दुनिया में जीने के अंदर जो हलाल हराम किया वो उसको फॉलो कर रहा होता है और फिर वो डरता है कि मैं कहीं अल्लाह के साथ इस हालत में ना मिलूं कि मैंने तौबा ना करी वो खौफ होता है लेकिन उससे भी पहले एक शख्स होता है जो बिल्कुल गाफिल हो चुका होता है उसको जरा सा तो दूर की बात हो उसको यकीन ही नहीं होता कि मैं अल्लाह से मिलूंगा उसको उम्मीद ही नहीं होती उम्मीद ही नहीं है कि वो अल्लाह से मिलेगा यानी कि उसको सोच ही नहीं आ रही अल्लाह ने उन लोगों के बारे में फरमाया बिल दुनिया अगर आपको ये देख लेना कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपको अल्लाह से मिलने की उम्मीद है या नहीं है तो उसके मैं छोटे से कुछ पॉइंट्स सा आपके सामने रख रहा हूँ आप खुद मुहाजबा कर लें अपना कहीं आप तो मुँह से कह देना कि हाँ जी हम अल्लाह से मिलने अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान करे और हमें अल्लाह से मुलाकात करनी है ये बहुत आसान है मुझसे कहना लेकिन असल में अपना मुहाजबा कैसे होगा अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इस आयत में ला अर्जुना लिखा उनकी सिफत क्या वरजु बिल हयात दुनिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो राजी हो गए किस चीज़ से राजी हो गए दुनिया की जिंदगी से कि मैंने यहीं पर खाना है मैंने यहीं पे पीना है मैंने शादी करनी है मैंने बच्चे पैदा करने हैं मैंने पैसा कमाना है मुझे मौत आ जाएगी दैट्स इट ये मेरी ज़िंदगी है कौन सी नमाज़ें कैसी नमाज़ें कौन से सदक़ात कैसे सदक़ात कौन सा इल्म कैसा इल्म नबी की इतबा कैसी इतबा मैंने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है वरज़ु बिल हयात दुनिया मैंने इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया गाड़ी पैसा बंगला जॉब बिजनेस बस यहाँ से भी मिल जाए वहाँ से भी मिल जाए मैं राजी हो गया मेरी पूरी स्ट्रगल इस लाइफ के लिए हो गई मेरी मेरी अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे मेरे दिल में यह नहीं कि मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ बल्कि मेरे दिल में मेरे कारोबार में बरकत आ जाए मैं नमाज पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये बन जाए मेरी इबादत मेरे सजदे मेरे रुकू मेरे रोज़े मेरे हज का मेरी जकवातों का मकसद ये बन जाए बस किसी तरह मेरा कारोबार चल पड़े बस मैं इस दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा नोच के खा जाऊं मैं ये भी खा जाऊ मैं वो भी खा जाऊं वराजू बिल हयात दुनिया राजी हो जाए बस अल्लाह से मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई उसको चाहे वो अल्लाह वो मुंह से शायद वो कह दे लेकिन हकीकत अगर आपके दिल में ये है कि अगर आपका दीन आपका ईमान गवारा नहीं है कि आपको अपने कारोबार आपकी दुकान आपकी जॉब्स आपके काम आपके बिजनेस आपके इदारों से अगर आपकी इतनी मोहब्बत बढ़ गई है कि आपको उम्मीद ही नहीं आप राजी हो जाए आप इसको कुल जान लें अपनी लाइफ का कि मेरी जिंदगी यहीं से ही शुरू होती है और मेरी जिंदगी यहीं से ख़त्म होती है आप हलाल हराम का चैप्टर क्लोज करते हयात दुनिया पहला पॉइंट वत मन्नू बिहा और उन वो मुतमिन भी हो जाए वो एहसास ख़त्म हो जाए पहले तो वो स्ट्रगल की बात हो रही थी अब एहसास की बात हो रही है वत मन्नू बिहार और वो सुकून हासिल करना शुरू करते हैं अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है मैं अगर शायद ये ले लूंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा मैं अगर मैं ये वाला प्लॉट खरीद लूंगा तो शायद मुझे सुकून मिल जाए मैं इस गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी ले लूंगा तो फिर मुझे शायद सुकून मिल जाए वत म अनुआ और मुतमिन हो गया उसने इतमान तलाश करना शुरू कर दिया कि इसमें मुझे इतमान है इसमें मुझे इतमान है बस एक बार मेरी डील पक्की हो जाए बस एक बार मुझे ये मिल जाए फिर देखें लाइफ तो सेट हो बस एक बार मुझे जो है ना यहाँ जॉब मिल जाए मेरी लाइफ तो सेट है बस एक बार मे मैं यहाँ पे चला जाऊँ मेरी लाइफ सेट है बस एक बार मुझे ये गाड़ी मिल जाए मेरी लाइफ की टेंशन ख़त्म वत मू बिहा डिफाइन करना शुरू कर दे अपने इतमान को अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं वदीन आयातिन ये वो लोग हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं गाफिल निशानियाँ कौन सी अल्लाह की कुरान से गाफिल नहीं निशानियां कुरान पे तफक्कुर ही नहीं कर पा रहे अल्लाह ताला कह रहा है अफला इबिल खुले खत क्या तुम अल्लाह को ऊंट को देख के नहीं पहचान सकते तफक्कुर नहीं करते कि अल्लाह ने ऊंट कैसा पैदा किया क्या तुम तफक्कुर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के बीच में कोई भी ऐसी चीज रखी कि आसमान अपनी जगह से नीचे आ जाए और बीच में कोई भी पूरा गैप है वैक्यूम है लेकिन आसमान फिर भी नीचे नहीं आता पहाड़ों को नहीं देखते तुम वही तो वहीसम कैफन रुफियात वहीजिब्बाल कैफन सिबन क्या तब भी तुम्हें उसकी किबरियाई उसकी बड़ाई का एहसास नहीं होता क्या तुम देखते नहीं अगर ये नहीं होता अगर तुम्हें ये एक ऐसी चीज सुपर नेचुरल चीज़ें रखती हैं आसमान जमीन भाई अपने जैसे लोगों का हाल देख लो ना जाओ हाल देखो कौम आद का कौम समूद का फिरौन का नमरूद का देखो जाके हाल अभी भी इबरत का निशान है वो लोग वो भी ऐसी बड़ी बातें करना रब को मुला फिर ने तो ये कह दिया था मैं तो मैं तो बादशाह हूं अनरबू को मुला मैं तो बादशाह हूं बादशाह रबू तुम्हारा मैं पालता हूं तुम्हें मैं पालता हूं तुम्हें मैं मैं सब करता हूं अना रब को बादशाह क्या हाल किया उसका क्या आपको यह निशानियां भी नजर नहीं आती अगर आपसे अल्लाह की तखलीक के अंदर तफक् नहीं हो पा रहा तो अल्लाह ने हम जैसे इंसानों को जो इबरत का निशान बनाया है जाएं जाके देखें खंडरात, घूमें दुनिया पता चलेगा आपको ऐसी बातें करने वाले और अल्लाह की आयतों से गाफिल होने वालों का क्या हाल हुआ जाएँ सलाम की बस्तियां देखें आज भी वहाँ पे उनकी उनकी उनके जिसम और उनकी हड्डियाँ आज भी वहाँ मौजूद हैं अल्लाह ताला ने कहा है कौम लूत पे अज़ाब नू आम की कौम पर अज़ब ग कर दिया पूरी दुनिया को अल्लाह ने फिर अल्लाह तूह नू आलाम को सरदारों में कर दिया अल्लाह खलीफा बना दिया अल्लाह तला ने इस दुनिया का क्यों क्योंकि वो अल्लाह की निशानियों से गाफिल थे और ये निशानियाँ किसके लिए हमारे लिए अलम तरकई फफा अला रबू का भी क्या तुम देखते नहीं हो कि क्या हाल किया अल्लाह तला नेफील का ये गफलत दूर करने के लिए क्या काफ़ी नहीं है मसला है आँखें बंद कर लेते हैं तो मौत इंसान को जो इंसान की जो मौत होती है मौत बिल हक की ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है इसको कभी भी नहीं झुटलाया जा सकता कोई शख्स आप दिखा दें वो ये कह दे कि मुझे मौत पे बिलीफ नहीं है वो शायद इस हद तक गुजर जाए कि एक नॉन मुस्लिम एक, एक तो कह देते ना मुझे तो एक इंसान कह दे कि मुझे अल्लाह पे बिलीफ नहीं है वो इससे भी ऊपर की कैटेगरी वो कहे मुझे क्रिएटर पे बिलीव नहीं है वो ये कह सकता है वो ये कहे मुझे आपकी बात पे बिलीव नहीं है मुझे यकीन नहीं है लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मौत पर यकीन नहीं है फिर इंसान मौत से दूर क्यों होता है मौत याद रखिएगा इंसान मौत को झुटलाता नहीं है इंसान मौत को भुलाता है जालिका माकुन तमिन वो भूल जाता है मौत को वो जानबूझ कर भुलाता है अल्लाह के नबी बार बार रिकॉल करने को कह कहना अल्लाह के नबी कह रहे हैं कब्रस्तान जाया करो देखो इबरत देखो इनकी इब्रतें देखो इन, इनके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया ये कल तुम्हारे साथ खड़े हुए थे आज मट्टियों में दफन है ये कल ये बहुत बड़े बड़े दावे करते थे आज मट्टियों में दफन है ये ये दुनिया की जिंदगी को बहुत ही लेवल पे लेवल के सरदार हुआ करते थे ये दुनिया के अंदर ये बहुत बड़े बड़े दावे करते थे माल के जान के इज्जत के आबरू के बहुत बड़े बड़े दावे थे सरदारियां थी इनकी बड़ी बड़ी कोई बादशाह कह रहे हैं अपने आप को कोई रब कह रहा है अपने आप को कोई शहनशाह कह रहा है अपने आप को कोई सरदार बन के बैठा हुआ है कोई चौधरी बन के बैठा हुआ है फखर है लोगों को कि हमारे पास इतना माल है फखर है लोगों को कि हमारे पास इतनी बड़ी सल्तनत है मौत एक एक सांस है खाली एक सांस वो इंसान के हलक से निकलती है और फिर वो देखता है कि मौत के फरिश्ते उसके इर्द गिर्द आके बैठना शुरू हो जाते हैं वो दिखाता है अल्लाह उसको मंसर तो ये है इंसान की मौत और ये है दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं दुनिया की ज़िंदगी के बारे में बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल थी आपने देखें नबी सल वसल्म के जो टीचिंग स्किल्स थे नबी वम लोगों को प्रैक्टिकली समझाते थे प्रैक्टिकली समझाते थे कापी पेंसिल लेकिन प्रैक्टिकली सब्जेक्ट टू द सिचुएशन नबी वसल्लम लोग जब साहबा उनके साथ होते थे जो उनके कम्पेनियंस हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं जब उनके साथ होते थे तो नबी वसल्लम चीज़ों की मिसाल देके और चीज़ों पे तफक्कुर करा के समझाते थे जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा के साथ एक बाजार से गुजर रहे और उस बाज़ार के अंदर देखें दुनिया की ज़िंदगी को किस तरीके से एग्ज़ैप्लीफाई किया नबी अकबर सल वसम ने और क्या टीचिंग स्किल्स थे उनकी क्या टून थी और किस किन वर्ड्स का चुनाव था और किस चीज़ को एग्ज़ैम्पल बनाया किसी चीज की हैसियत को बनाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इसमें सिर्फ मैं मिसाल नहीं दे रहा आपको बल्कि मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि टीचिंग स्किल्स किस तरीके से इंसान अपने इंप्रूव कर सकता है अगर अपने लोग कहते हैं हमारे बच्चों को हमारे बच्चे नहीं मानते भाई आपने नसीहत ही नहीं करी सही तरीके से आपने मौके के लिहाज से उसको नसीहत नहीं करी बात कहीं और है समझाया कुछ और जाता है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह समझा रहे हैं एक बाजार से गुजरे सहाबा के साथ और उस बाजार के अंदर तफरी मची हुए लोग अपने कारोबार में मस्त हैं लोग मगन हुए हुए सब कुछ चल रहा है बाजार फुल है और एक बकरी जिसका एक कान कटा हुआ था मरी हुई बकरी एक कान उसका कटा हुआ था और वो मरी हुई सड़ रही वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई है जो इस बकरी को कोई लेगा इस बकरी को कोई पैसे देगा कोई ले जाना चाहेगा इस बकरी को साहबा कहते नहीं या रसुल्ला हम तो नहीं ले सकते इसको अल्लाह के रसूल ने फिर कहा कोई लेना चाहेगा कोई खरीदना चाहेगा इस बकरी को मुफ्ते में ले ले पैसे दे के ले ले जैसा भी हो कोई लेना चाहेगा इसको क्या यारसोल्ला हम तो नहीं ले सकते नबी ने फिर का कोई लेगा इस बकरी को इसका कान कटा हुआ है बदबू आ रही है उसमें से मर चुकी है कोई ले इस बकरी को खरीदेगा कोई लेके जाएगा अपने साथ इस्तेमाल करेगा साहबा ने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल हम ये ज़िंदा होती तब भी इसमें ऐप था इसका कान कटा हुआ था हम कैसे कर लेते ये हम कौन लेकर आप क्यों इतना बार बार तकरार कर रहे हैं आप समझाएं है हमें क्या समझा रहे हैं कैसे लेंगे हम साहब ने कह दिया ला वाला नई बनफी ही अन्नास वल असकल जुनान उसके तो कान ही नहीं है उसके तो कान ही नहीं है हम कैसे ले रहे हैं उसको इसमें तो खूबसूरती ही नहीं है किस तरह पाले हम इसको अजीब सी है तो जिंदा भी होती तो मसला था अल्लाह के रसूल फरमाते हैं देखें नुकता क्या बयान किया अल्लाह के रसूल ने बयान क्या करना था और एग्जाम्पलीफाई किस तरह किया अल्लाह के रसूल फरमाते नजदीक ये दुनिया इससे भी ज्यादा गई गुजरी है ये दुनिया इस बकरी की फोकस किस चीज पर था उसकी अहमियत पे यानी कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की अहमियत उस कान कटी बकरी मुर्दार बकरी से भी ज्यादा अल्लाह ताला हकीर है दुनिया अल्लाह की नजर में यह मिसाल दी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की कि दुनिया की मिसाल ऐसी है एक और जगह अल्लाह के वसल्लम फरमा रहे मनकानत मनकानत दुनिया हम फरक आलरा बहुत ही सिंपल सा उसूल है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया है जिसने इस दुनिया को अहमियत दे दी जिसने इस दुनिया को अहमियत दे दी जिसने इस दुनिया को असल समझ लिया जो इस दुनिया की रंगीनियों के अंदर डूब कर अपना मुहाजबा जिसने छोड़ दिया जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस दुनिया को ही कमाना मेरा मकसद है मेरा मतलब है और मेरी स्ट्रगल और मेरा जिहाद ये दुनिया ही है जिसने इस दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया अल्लाह ताला उसके दुनिया के जो मसाइल हैं उसमें अल्लाह ताला तफुरका डाल देता है अल्लाह ताला मुश्किल पैदा कर देता है उसके लिए फर्रक अल्लाह अलेमरा उसके मामलात में उसके मामलात में मसाइल आ जाते हैं कभी यहाँ से फोन आ रहा है हाँ भाई आपने पेमेंट नहीं कराई कभी यहाँ से फोन आ रहा है कि भाई आपने कर्ज अदा नहीं किया कभी कहीं से प्रेशर आ रहा है कभी स्कूल से फोन आ रहा है कभी माल के लिहाज से तंगी आ रही है कभी गाड़ी खराब हो जाती है कभी फला चीज हो जाती है कभी फला चीज हो जाती है एक मुश्किल से निकलता है दूसरी मुश्किल में चला जाता है और फिर लोग सवाल करते हैं हमारी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां कुछ हल तो निकल ही नहीं रहा तो मेरे भाई अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी कि आप सुधर जाए अगर आपने इस दुनिया के पीछे लग गए अगर आपने इस दुनिया को असल मान लिया अगर आपने इस दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर याद रखिएगा अल्लाह ताला आपकी जिंदगी मुश्किलात से भर देगा तीन तीन चार चार गोलियां खाए बगैर नींद नहीं आती भाई कभी किसी को फला एक बीमारी खत्म होती नहीं है दूसरी बीमारी आ जाती है दूसरी से निकलता नहीं है तीसरी बीमारी आ जाती है तीसरी से निकलता नहीं है एक सही होती है तो बच्चे बच्चा बीमार हो जाता है बच्चा सही होता है तो माँ बीमार हो जाती है उसकी तकलीफ घर का मसला आ जाता है किराएदार आके दरवाजा खट कर करता दो किराया दो डील होते होते रुक जाती है एग्जाम में पास होते होते रुक जाता है मुश्किल मुश्किल मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं उसकी लाइफ में और दूसरी तरफ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उसको फिर अल्लाह ताला उतने ही अता करता है जितना उसके नसीब का है बस उसके नसीब में उसके रिस्क में बरकत नहीं होती आप कहते हैं ना कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती सबसे बड़ा एक यूनिवर्सल सवाल ही यही है अलहमदिल्ला हमारी कौम का जो आज इतनी महंगाई और इतना टफ है भाई महंगाई दुनिया में है अल्लाह के खजाने कम नहीं हो जाते महंगाई से अल्लाह तो देना चाहता है अल्लाह के पास तो बहुत खजाने एक सुई पानी के अंदर डाल के जब आप सुई बाहर निकालेंगे उससे एक बूंद निकलेगी समंदर में क्या कमी आ जाएगी अल्लाह के ख़जानों की मिसाल तो ऐसी है मुल्क में महंगाई हुई है अल्लाह के खजाने कम नहीं हुए आपके अगर रिस्क में तंगी हो रही है तो ये आपको मुहाजबा करना चाहिए कि आप किस लेवल पर खड़े हैं अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्स दी थी कि आप इल्म सीख लें अल्लाह ताला ने आपको सहूलियात फराहम करी थी कि आप दीन सीखें अल्लाह ताला, ताला ने आपको वक्त अल्लाह ताला, ताला ने आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करी थी ये आप नहीं कह सकते क़यामत वाले दिन कि अल्लाह मुझे टाइम नहीं मिला अल्लाह मेरे पास सहूलियात नहीं थी या मेरे पास मैंने ये लेक्चर सुना नहीं था यहाँ आप ये कह नहीं सकते ये लेक्चर ही आपकी सबसे पहली मोटिवेशन होनी चाहिए अल्लाह ताला इस लेक्चर के बारे में भी सवाल करेगा तो मोटिवेशन सहूलियात ये अल्लाह ताला ने आपको फराहम करी है अल्लाह के रसूल रस में फरमाते हैं कि जिसने इस दुनिया को अहमियत दे ली अल्लाह ताला उसके तामल को मुश्किल कर देगा मुश्किल कर देगा हर रस हर जगह से रुकावटें शुरू हो जाएंगी बंदिशें शुरू हो जाएंगी कारोबार में बंदिश रिश्तों में बंदिश पैसों में बंदिश सेहत में बंदिश बंदिशें शुरू हो जाएंगी क्यों क्योंकि आप इस दुनिया से राजी हो चुके आपने नबी की बात को हकीकत पे नहीं लिया आपने बस सुना और सुम नौमिन हो गए डूंगे बहरे हो गए आपने बोला बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकले नहीं यही तो हिदायत है कि अल्लाह के रसूल बता रहे हैं सोल्यूशन बता आगे सोल्यूशन भी बताया रिस्क की तंगी बता दी दुनिया से राजी होंगे इसके पीछे भागेंगे दुनिया और तंग करेगी आपको और आप मुश्किल में और आपके रस तंग होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भी कहा वह मनकान आखिरत अगर उसने दुनिया के ऊपर आखिरत को इम्पोर्टेंस दे दी आखिरत को इम्पोर्टेंस दे दी जो उसके मुझ, काम मुश्किल थे अल्लाह ने उसके काम आसान कर दिए अल्लाह ने उसके काम आसान कर दिए अल्लाह ने उसके मामला आसान कर दिए अल्लाह ने उसके रिस्क के जरिए आसान कर दिए अल्लाह ताला ने उसकी डीलिंग आसान कर दी अल्लाह ताला ने उसकी सेहत में उसकी रोजी रोटी में बरकतें डाल दी वो आजमाइश में आ भी गया तो अल्लाह ताला ने उसको रास्ता दिखा दिया वो इल्म सिखा दिया कि वो किस तरीके से अपनी नफसियात को बैलेंस कर सके और सबर और शुक्र कर सके जैसे देखें सिंपल सी बात है अगर आप आखिरत पर बिलीव रखते हैं तो आप ये कहेंगे कोई भी मुसीबत इन्ना लाही वना अल्लाह हम तेरे ही लिए ये सब तेरा ही है अल्लाह और हमने भी तेरे ही तरफ लौटना है रिलैक्स हो जाता है फिर थोड़े दिन बाद अल्लाह ताला उसको खुशखबरी दे देता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है वो अल्लाह के लिए एक चीज़ छोड़ता है अल्लाह ताला उसको अता करता है अल्लाह ताला बदला ज़रूर देता है और देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं कि एक बंदा है वो बात करता है और बातों बातों में उससे ऐसी बात निकल जाती है उससे ऐसी बात निकल जाती है जो नियतन भी नहीं थी उसके मुंह से बात निकल गई और बहुत अच्छी बात थी और अल्लाह को पसंद आ गई अल्लाह तो ऐसा है माफ़ करने के अंदर उसको अल्लाह को एक बात पसंद आ गई अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया और उस बात की वजह पर अल्लाह उससे राज़ी हो गया अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी इसी के बरक्स अल्लाह को कोई बात बुरी लग जाती है तो अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें आखिरत आखिरत की फिक्र करें बल तो सरून अलहयात दुनिया बल्कि आख दुनिया की जिंदगी दुनिया की जिंदगी कैसे असर अंदाज हो सकती है एक मोमिन के ऊपर वल आखिरत व अबका आखिरत में भलाई भी है बेहतरी भी है और आखिरत में दवाम भी है, अबका बाकी रहने वाली है दुनिया बाकी नहीं रहेगी अगर आप कह सकते हैं दुनिया बाकी रहेगी तो मैं कहूँगा कितना बड़ा झूठ है कि इंसान अपने आप से बोल रहा है कि दुनिया बाकी रहेगी काम तो हमारे ऐसे ही हैं कि हमारी दुनिया बाकी रहेगी लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तोहफी फरमाए अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर एम अन्नमल हयात दुनिया लाइब जान लो देखिए अल्लाह ताला हमसे कह है जान लो अन्नमल हयातुद्दनिया दुनिया दुनिया की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशा है वजीन ज़ीनत है तजयन है खूबसूरत है दुनिया की ज़िंदगी इसमें खेल है इसमें तमाशे खूबसूरती है, है इस दुनिया के दुनिया की खूबसूरती को आप माइनस नहीं कर सकते लेकिन इसकी ख़ूबसूरती को अटेन करने के कुछ असूल हैं अल्लाह ताली ने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं लेने के लिए अल्लाह ताली ने खाने पीने को अल्लाह ताली ने रखा है अल्लाह ताली ने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिस्क रखे हैं फल रखे हैं अल्लाह ताली ने इंसान की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उसको कहा कि वह निकाह करें हिदायत यही है कि लाइब वलामू वजीनत खेल तमाशा तजयन जीनत दुनिया की खूबसूरती ये इसको बैलेंस करें अगर बैलेंस नहीं होगी तो ये वबाल बन जाएगी तो दुनिया की जिंदगी यही है खेल तमाशा खेल तमाशा है बस गुरूर खेल तमाशा कहीं बकरी से तज़बी, कहीं खेल तमाशा कहीं गुरू धोखा कहीं गफलत न जाने और क्या क्या अल्लाह ताला ने मिसाल दी है इस दुनिया की ज़िंदगी के हवाले से सूखे पेड़ और पतनी न जाने अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी को और यहाँ पे मौजूद जो अमाल हैं जो इंसान इस दुनिया को पाने के लिए करता है वो अल्लाह तबा ताला ताला मंसूरा ज़ाया हो जाएंगे सारे कुछ काम नहीं आएगा लाईबुम वाला व तफ़ा खुरु बही रखू अल्लाह कह रहे हैं दुनिया के अंदर तुम एक दूसरे में प्राउड करते हो वफ़ा बई रखो प्राउडनेस है तुम्हें प्राउडनेस जताते हो तुम मेरे पास ये है आपके पास क्या है मेरे पास यहाँ पे प्लॉट है कितनी अजीब सी बात है आप कह रहे हैं मेरे पास यहाँ पे प्लॉट है मेरा इस एरिया में प्लॉट है फखर करते हैं कंपटीशन करते हैं बड़े अफसोस की बात है गाड़ियों पे फखर पैसों पे फखर पैसों पे फखर करना है घरों पे फखर करना है सूट्स पे फख्र करना है लिबास पे फख्र हर चीज़ पे फख्र हो रहा है तफा ख़ुरुबै नकुम यह दुनिया की मिसाल खेल तमाशा इंसान इसी फ़खर में लगा रहता है तफा ख़ुरुबैनकुम और तका शुरु फिल्म वाले औलाद और कॉम्पटिशन में लगा रहता है एक दूसरे से पैसा कमाने की कमपटिशन और औलादों की कॉम्पटिशन माल औलाद इसी कम्पटिशन में लगा रहता कम है कम सलीसिन आज बबलगुफ़ा न बात हो अल्लाह उसकी मिसाल ऐसे दी कि एक पौधा उगता है खेती उगती है बड़ी सरसब्ज होती है लेकिन वो इस दुनिया में इंसान की मिसाल ऐसी है वो अमल करता है और तो वो खेती जो है हरी भरी होती है और होती रहती है यहाँ तक कि वो सूख के टहनी हो जाती है वो झड़ जाती है तो दुनिया की जिंदगी ये पैसा ये माल दौलत ये कब्र में तो नहीं जाएगा ना ये सब ख़त्म और बर्बाद हो जाएगा सब ज़ाया हो जाएगा याद रखिएगा आप अपने लिए नहीं कमाते आप किसी और की जायदाद आप बना रहे होते हैं और वो किसी और की जायदाद आपके बाद वो बना रहा होता है आप घर बना रहे हैं पैसा कमा रहे हैं किसके लिए आप अपने लिए नहीं कमा रहे कितना खा लेंगे आप दो वक्त की रोटी एक वक्त का नाश्ता कितने सूट पहन लेंगे एक दुनिया एक दिन के अंदर कितने कितने लिबास पहन लेंगे आप इस जिंदगी के अंदर कितना वक्त गुजार लेंगे कितना खा लेंगे ज़्यादा भूख कैसे बढ़ा लेंगे आप एक वक्त में तो तीन रोटी चार रोटी बस मैक्सिमम, कितना खाना खा लेंगे आप फिर किसके लिए कमाना औलाद को खिलाना ठीक है कमा लिया जिम्मेदारी आपकी कुल्लू को व कुल को फिर जिम्मेदारी पूरी होगी फिर किसके लिए कमाना राजी क्यों नहीं हो रहा है जितना अल्लाह ने दिया है क्यों इतनी हिरस है कमाने की ठीक है हिदायत क्या कहती है अगर हिरस इंसान की डिफाइन हो जाए कि वो क्यों कमा रहा है अगर उसमें खैर हो जाए फिर आप कमाएं फिर देखें अल्लाह भी बरकत देगा आप इसलिए कमाएं कि आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे आप इसलिए कमाएं कि आप बेवा यतीम फकीरों के लिए आप खर्च करेंगे आप इसलिए कमाएं कि आप यतीमों का सहारा बनेंगे आप इसलिए कमाए क्योंकि आप, आप लोगों की मुश्किल को आसान करेंगे आप इसलिए कमाएं क्योंकि आप वेलफेयर का काम करेंगे आप इसलिए कमाए क्योंकि आप अल्लाह को अल्लाह को वो सदकार खैरा अल्लाह की राह में करेंगे इसके लिए कमाना है बिल्कुल आप कमाएं लेकिन ये क्यों करेगा इंसान क्योंकि वो चाहता है कमाना उसकी नीयत क्या थी मैंने आपको कहा था कि दुनिया की जिंदगी को हासिल करना मना नहीं है लेकिन सिर्फ गाइडेंस उसको चैनलाइज कर देना यानी कि आपने कमाना है और कमाने की नीयत यह होनी चाहिए कि मैंने अपने आसानियों के बाद मैंने इसको जमा नहीं करना जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, यखनिजू ना जहाबा वलफा जो कंस करते हैं खजाना करते हैं जमा करते हैं क्या छोड़ के जाएंगे आप कितने पैसे आप छोड़ के देंगे एक रुपया भी नहीं जाएगा एक रुपया एक सिक्का भी अगर कबर के अंदर आपकी गिर गया और वो आपको फ़ायदा हो गया ना ये आपकी भूल है कुछ काम नहीं आएगा लेकिन मैं कमाने को मना नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ आप कमाएं आप इस दुनिया की आसानियों को लें अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मुजैन ज़रूर किया है लेकिन हिदायत गाइडेंस इल्म के साथ उसको बैलेंस करते हुए उसको उसको आसानी उसको इस तरीके से जिसमें अल्लाह की रज़ा हो उसको ख़र्च करते हुए उसका उसका हक़ अदा करते हुए तो इस दुनिया की ज़िंदगी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यकीनन ये दुनिया अल्लाह ताला क़ुरान में यही फरमाता है जो मैंने पहले आज शुरू करी थी वही मैं दोबारा पढ़ूँगा अल्लाह ताला, ताला फरमाता है इन लदीन अल्ला अर्जुन अल्ख़ा व रज़ुबिल्हयात दुनिया इस दुनिया की ज़िंदगी से आपने इस दुनिया में रहने आप रहें आपने दुनिया की आसानी लेनी है लें अल्लाह को ना भूलें अल्लाह की ऱा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए आपके दिल में दुनिया की रजा नहीं होनी चाहिए आप लोगों को राज़ी करते फिर रहे हैं आप फला को राज़ी करते फिर रहे हैं आप फला को राज़ी करते फिर रहे हैं आप लोगों को लेकिन आप अल्लाह की अल्लाह राज़ी है या नहीं है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया से जनमिन मोमिन की जिंदगी के अंदर दुनिया की जो ज़िंदगी होती है ना एक मोमिन की वो एक क़ैद खाना है कैद खाना वो एक कैद खाना है वो एक जेल है मोमिन के लिए ये दुनिया हम मोमिनों के लिए एक जेल है वो जन्नत काफिर और काफिर के लिए जन्नत है अब ये कैसे देखें दुनिया को काफिर भी कंज्यूम कर रहा है और दुनिया को एक मोमिन भी कंज्यूम कर रहा है दोनों कंज्यूम जब कर रहे हैं हो सकता है काफिर कम कंज्यूम कर रहा हूँ और मोमिन ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ तो ज़्यादा किस कर? लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल वसलम ने जेल किसको कहा जेल में कहा कि मोमिन जेल में होता है फ़र्क किया जेल क्यों कहा क्या मवजन ये था माल का मवजना है मोमिन के जेल होने का और काफिर के जेल होने का नहीं असल मसला है रेगुलेशन्स का बाउंड्रीज का हदूद का हलाल और हराम का मोमिन को अल्लाह ताला ने कहा यह खाना है यह नहीं खाना यह तुम्हारा दिल बहुत चाह रहा है यह खाने का लेकिन यह तुमने नहीं खाना तुम्हारा दिल बहुत चाह रहा है यह काम करने का लेकिन यह तुम नहीं कर सकते तुम्हारा दिल बहुत चाह रहा है इतना पैसा कमाने का लेकिन तुम नहीं कमा सकते ये हराम रिसोर्सेज है मोमिन कैद खाने में होता है उसकी बाउंड्रीज लगी होती हैं उसके हाथों में बेड़ियाँ होती हैं वो देखता है कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए अल्लाह का हलाल करता है हलाल वो करता है और हराम से बचता है ये उसका एक कैद खाना है ये गाइडेंस है खाता वो भी है खाता वो भी है कमाता वो भी है कमाता वो भी है लग्जरीज वो भी लेता है ये भी लेता है लेकिन एक काफिर की लग्जरीज के अंदर कोई कैद नहीं उसकी लग्जरी लिमिटलेस है वो तन मन धन सारा उस दुनिया के अंदर लगा देता है और कोई हलाल हराम की उसको कोई तमीज़ नहीं होती लेकिन मोमिन अल्लाह ताला क्लू कुलू वशरबू, खाओ पियो, ज़ाया ना करो काफिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ज़ाया करे ना करे वो अयाशियों में रहे वो शराब पिए वो नशा करे वो कुछ भी करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मोमिन मोमिन को अल्लाह ताली ने कहा मोमिन के लिए कैद खाना यही है कि वो अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश को लिमिट लगाता है और अल्लाह के हुक्म को गालिब लाता है और फिर उस ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी में उसको सुकून ही मिलेगा सुकून मिलेगा उसको सुकून भी मिलेगा रिजाल कलील होती है उसके अंदर वो राज़ी हो जाता है अल्लाह से काफिर खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है वो कभी भी राज़ी नहीं होता अल्लाह ताली मोमिन के अंदर सुकून डाल देता है लेकिन उस काफिर के दिल से सुकून निकाल लेता है इल्ला माशा के वो तौबा कर ले अल्लाह ताली उसको हिदायत देते हैं लेकिन मोमिन को बदला मिलेगा मोमिन दुनिया कॉम्प्रोमाइज़ करता है आखिरत के लिए और काफिर आखिरत कॉम्प्रोमाइज़ करता है इस दुनिया के लिए तो अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें भी तौफीक दे इन बातों को समझने की इन बातों पर अमल करने की इस दुनिया को हकीर समझने की इस दुनिया को इस दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है उसके कॉन्सेप्ट उसकी फिलॉसफी को समझने हमने दुनिया की चीज़ों को कंज्यूम करना है लेकिन अपने माइंड के अंदर उसको कभी भी असल नहीं जानना असल यही है कि आखिरत आखिरत आख़िरत असल है वहीं पे हमें बदला मिलेगा और दोबारा हम मरने के बाद उठाए जाएंगे जो भी इसमें गलती थी इसमें कमी कोताही थी वो मेरी अपनी थी मेरी ला इल्मी थी मेरी कम इल्मी थी और जो भी इसमें खैर थी अल्लाह अल्लाही की तरफ से थी सुबह नकल व भी हमदिका अशदुल्लांत अस्तफ़र वतूब आई अकम् वबरक